स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं अपना बी के राजा चैनल। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान को कैसे परचेज कर सकते हैं, कोई भी वस्तु कैसे खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड लास्ट तक वीडियो देखते रहिए क्योंकि फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। तो फ्रेंड इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, आप अपने फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, आपको एक फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा जैसे कि मैंने मेरा पहले से बना है। तो फ्रेंड इसमें करना क्या होता है, आप अपना नंबर डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए और आपका अकाउंट बन जाता है। तो सिंपली आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो चीज़ खरीदनी है, जो सामान खरीदना है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आपको मान लीजिए कोई टी शर्ट खरीदना है तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए या फैशन में चले जाइए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी, मतलब आपका जो मन करे यहाँ से आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए बच्चे का मेंस का टी शर्ट खरीदना है तो फ्रेंड हम इस पर क्लिक कर देते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे सूज भी आ गया और कपड़े भी आ गए, बट हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से कपड़ा है, लेकिन हमको करना क्या है यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं यार। मान लीजिए हमको हाँ टी शर्ट आ गया। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब टी शर्ट आ गए। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए हमको जो टी शर्ट यहाँ से पसंद आता है हम उसको परचेज कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक टी शर्ट जो थोड़ा अच्छा लगे वही करूँगा। तो फ्रेंड आप जैसे कि देख सकते हैं, तो फ्रेंड मान लीजिए हमको ये वाला पसंद है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं ये टी शर्ट 296 रुपये का है और यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा फ्रेंड आपको ये कैश ऑन डिलीवरी है जो कि आपको मिलेगा। ये फुल कितने मिलेगा आपको मैं दिखा देता हूँ, और फ्रेंड इसकी 3.4 की रेटिंग है। तो फ्रेंड मैं देख लेता हूँ, तो फ्रेंड मान लीजिए हमको यहाँ से डायरेक्ट बाई नाउ पे कर देना है, इस बाई नाउ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सब दिखा रहा है कि किस साइज में है, मतलब आप किस साइज़ में लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ से अपनी साइज़ चूज कर लीजिएगा, लेकिन मैं कोई साइज़ नहीं चूज करता, यहाँ से मैं कंटिन्यू पे कर देता हूँ। ट्रेन बिना साइज चूज करने पे ये होगा नहीं, अब हम साइज़ चूज कर लिए हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने कंटिन्यू कर दिया जो मुझे ख़रीदना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप एड्रेस पहले से भर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भर चेंज करना है तो चेंज एड्रेस पे जाएंगे और यहाँ से एडिट कर देंगे। एडिट जैसे कि देख सकते हैं एडिट करके सब अपना एड्रेस भर देंगे, उसके बाद अपना नंबर डाल देंगे और यहाँ पर होम डिलीवरी क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक मतलब एक शर्ट यहाँ पे दिखा रहा है, एक शर्ट जो कि परचेज हो चुका है। ये फ्रेंड मिलेगा आपको, टोटली मिलेगा 40 रुपये कैश ऑन डिलीवरी लगेगा, तो टोटली 336 रुपये का ये मिलेगा। तो इस पर हम कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं ये आपको पेमेंट मांगेगा, मतलब आप पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, और मतलब यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड। तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन मैं करने वाला नहीं क्योंकि मुझे लेना नहीं, मैं बस आपको बता रहा था। तो फिर मैं कर देता हूँ, अच्छा यार प्लेस ऑर्डर। तो ये देख लीजिए ये आपको कोड डालना पड़ेगा, ये जो ऊपर आया है ये मतलब कैप्चर कोड है, मैं डाल देता हूँ 287। उसके बाद हम कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए ये कन्फर्म ऑर्डर हो गया है। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा भी दूंगा कि कैंसिल भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैं देखिए मैसेज ये आ गया कि मैंने ये कंफर्म कर दिया है। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं यू आर हैप्पी फ्लिपकार्ट, तो मैं नो या चाहे जो कर देता हूँ। तो फ्रेंड अब अगर मान लीजिए इसको मतलब कोई गलत चीज़ कैंसिल कर दिए हैं तो आप इसे सॉरी गलत चीज़ ऐड कर दिए हैं या मतलब तो आप उसे नहीं परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, आप अपने यहाँ पर जाइए फ्लिपकार्ट में फिर से दोबारा जाइए, जैसे कि मैं चला जाता हूँ फिर से। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्लिक करिए,
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फिर इंटरफेस आ गया। तो आप यहाँ नीचे से दूसरे नंबर पे या तीसरे मतलब इस पे चले जाइए माय ऑर्डर पे। जैसे कि मैं माय ऑर्डर पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपने क्या ऑर्डर किया है। तो फ्रेंड यहाँ से आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं ये मैंने ऑर्डर कर दिया, ये अप्रूवल हो गया है और मतलब शिपिंग होगा, डिलीवरी उसके बाद होगा। तो हम अगर इसे कैंसिल करना चाहें तो हम कैंसिल कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने कुछ परचेज़ किया और कैंसिल भी किया है। तो फ्रेंड यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं, तो हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं ये ऑर्डर जो हमने अभी जस्ट परचेज किया है। तो आप ये कारण पूछेगा आप किस कारण के से इसे मतलब कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कारण दिस डिलीवरी चाहे जो कारण चूज कर लीजिएगा आप यहाँ से, बस उसके बाद कंफर्म कैंसिल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड ये कंफर्म हो जाएगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कंफर्म शॉपिंग कंटिन्यू शॉपिंग। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मैं फिर से दोबारा देख सकता हूँ कि माई ऑर्डर कैंसिल हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड इसके पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ये कैंसिल हो गया है। तो फ्रेंड हम करके दिखा देते हैं, ये अभी हमने ऑर्डर किया उसके बाद ये जस्ट कैंसिल हो गया। तो जस्ट आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 8:41 पे ऑर्डर किया और 8:43 पे कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड आप इसी तरह से कोई भी वस्तु या सामान फ्लिपकार्ट से आसानी से खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्योंकि फ्रेंड अमेजन अमेजन तो मुझे लगता है अच्छा ही है, क्योंकि बहुत सरल है यार, बहुत आसान पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।